है ना, अंधे हैं, देखते ही कहाँ। अब आप हमारी बात क्यों नहीं समझते, हम लोग असूरदास नहीं है, हालात के अंधे हैं, हम भी तो ईडी बुझक रहे हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि भाजपा करवा रही है? विपक्ष इस बात को कह रहा था और आप कह रहे हैं कि हम इस चीज को देखते ही नहीं। लूलू मॉल पर आजम खान का बड़ा बयान, मॉल मालिक आरएसएस का फंड रेजर। मुरादाबाद कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खान ने लखनऊ के लूलू मॉल पर बड़ा बयान दिया है। आजम खान का कहना है कि मॉल का नाम रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंड रेजर है, उसने मॉल बनाया है, नवाजी भी वही लाया था, पूरा विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे ही इसका नाम बदलना चाहिए, लेकिन वो नाम नहीं बदलेगा क्योंकि वो कमा रहा है इस नाम से। वो अपने गिरेबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे। वहीं जब आजम खान से पश्चिम बंगाल के मंत्री के घर से मिले 50 करोड़ रुपए पर सवाल किया गया तो आजम खान बोले कि वो तो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, जब कुछ दिखता ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे। हाँ, मैं जन्म से अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ सूरदास नहीं हूँ। वहीं महंगाई पर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब ऑफिस के बाबू की तनख्वाह 2-2 लाख रुपए है तो महंगाई से क्या फर्क पड़ता है, और उन्होंने मीडिया कर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी सैलरी भी 5-5 लाख रुपए जरूर होगी। दरअसल आजम खान आज एक पुराने केस की तारीख पर पेश होने के लिए मुरादाबाद की कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर वो मीडिया से बात कर रहे थे। लुलू वाले बयान पर आपकी पिछली बार तमाम उसमें ऐड चल रहा है इस बार। वैसे सर अब तो आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। देखिए वो लोग जो उसमें अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलू। अच्छा कुरान, कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप, मुझे पढ़ाइए किसी दिन। कुरान के खुद मतलब क्या है, लफ्ज कुरान के हिकमत के, ये तो किताब हिकमत है। कुरान का मतलब बताइए, किताब दीन भी है, किताब हिकमत भी है। और देखिए शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया, शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गरीबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब दे। सर लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर जो है वो विपक्ष मजबूत तो ना हो इसलिए छापेमारी चल रही है, आप भी विपक्ष में ही हैं, कैसे आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैंने कहा ना अंधे हैं, हम देखते ही कहाँ। अब आप हमारी बात क्यों नहीं समझते अंधों की, हाँ सूरदास नहीं है, हालात के अंधे हैं, हम भी तो ईडी भुगत रहे हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि भाजपा करवा रही है ये सब? ठीक क्यों लगता, ठीक क्यों लगता। विपक्ष इस बात को कह रहा था और आप कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को देखते ही नहीं। आप सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात करने की कोशिश करता हूं। लीडर का हूं आजम साहब, कहां लीडरशिप रह गई? आजम साहब ओवैसी, ओवैसी साहब ओवैसी साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहा है और मुस्लिमों के साथ मतभेद किया जा रहा है, उनके बयान के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। सवाल आप उनसे करें, आपको क्या लगता है सर, क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करनी गलत है? गलत तो सही कहा ही नहीं, आपको क्या लगता है वही हम जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे कुछ लगता ही नहीं, खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं। आजम साहब पश्चिम बंगाल में जो कैश बरामद हो रहा नेताओं के पास से, किस तरह देखते हैं इस तरह के, कहाँ जा रही है सर? मैंने कहा ना मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे, देखो चश्मा लगा रखा, अंधे को क्या दिखेगा। हाँ सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ। आजम भाई आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, देश में इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? कहाँ है महंगाई, खुशहाली खुशहाली है, किसी को कहते हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के साथ साथ खाद्य पदार्थ, आमदनी बहुत ज्यादा है तो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ क्लर की तनख्वाह 2 लाख रुपया हो, महंगाई से क्या फर्क पड़ेगा? अब ये सब जितने बच्चे खड़े हैं इनकी कम से कम 5-5 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, तो कहाँ महंगाई है? आमदनी ज्यादा हो तो महंगाई नहीं पता चलती।